नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है मैं भवानी शंकर पारिक असिस्टेंट प्रोफेसर जुलोजी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस प्रश्न पत्र जो कि बी पार्ट फर्स्ट के पहला प्रश्न पत्र है इसकी व्याख्यान माला में बनाने जा रहा हूँ पूर्व के व्याख्यान में मैंने प्राणी वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी उसके बाद में हम जंतु वर्गीकरण के मूलभूत आधार कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर रहे थे कुछ मूलभूत आधार के बारे में मैंने आपको बताया था उसमें हमने देखा था कि जो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स उसके बाद में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद में जो जो जनन स्तर उसके बाद में शिलोंग इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो आधार हैं उसकी हमने बात की थी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो कुछ और बेसिस हैं उसकी हम चर्चा करेंगे उसमें पहला है खंडी भवन या सेगमेंटेशन खंडी भवन से तात्पर्य है कि जब किसी जंतु का शरीर खंडों में बंटा हुआ दिखाई दे या खंडों में बंटा हुआ हो तो वह जो गुण है वह खंडी भवन कहलाता है हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो बाह्य रूप से या उनके जो आंदरांग जो हैं वो खंडों में डिवाइड होते हुए हमें दिखाई देते हैं तो इस प्रकार की जो खंडीय व्यवस्था अगर शरीर में पाई जाती है तो वह खंडीय व्यवस्था का ये जो गुण है ये खंडी भवन या सेगमेंटेशन कहलाता है खंडी भवन दो प्रकार से हो सकता है एक कूट खंडी भवन होता है दूसरा एक वास्तविक खंडी भवन हो सकता है कूट खंडी भवन या शूडो सेगमेंटेशन जो कि प्लेटी हलमथीज के सदस्यों में पाया जाता है चपटे कर्मी में पाया जाता है चपटे कर्मी जैसे टीनिया शोलिया में हम देखते हैं कि उनका शरीर भी खंडित होता है लेकिन वास्तव में यह एक आभासी खंडी भवन होता है यह वास्तविक खंडी भवन या जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं वह नहीं होता है वास्तविक खंडी भवन तब माना जाता है जब देह खंड की संख्या जो है वो उस जंतु में नियमित होती है और उसमें जो सबसे छोटे खंड जो होते हैं वो पोस्टेरियर रीजन पे होते हैं यानी देह के अंतिम भाग में उपस्थित होते हैं जबकि सोलियम या चपटे कृमि जो हैं उनमें जो खंड जो पाए जाते हैं वो खंड जो हैं उनका निर्माण देह के अंतिम खंड से मुकुलन के फल स्वरूप होता है उनमें खंडों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है और जो खंड हैं वो अंतिम जो खंड हैं वो टूट के नए खंड उससे बनते रहते हैं तो इस प्रकार की जो खंडीय व्यवस्था है वह एक कूट खंडी भवन या आभासी खंडी भवन कहलाता है लेकिन जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक खंडी भवन जो है वो प्राणी जगत में तीन फाइलम में ही देखने को मिलता है जिसमें फाइलम एनालिडा ऑर्थोपोडा और फाइलम वर्टिब्रेटा या कोडेटा तो इन तीन फाइलम में खंडीम है वो पाया जाता है एनालिडा संघ में हम देखते हैं जैसे कैंचुआ है तो ऐसे प्राणियों का शरीर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से वो खंडों में डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है जैसे हम जब कैंचुए की बात करते हैं तो आप कैंचुए का शरीर हम देखते हैं कि कैंचुए का जो शरीर है वो इस प्रकार से आपको खंडों में ऐसे डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है और एक प्राणी में इन खंडों की संख्या निश्चित होती है कौन से खंड में अंदर कौन से आंतरांग पाए जाते हैं वह भी एक निश्चित व्यवस्था होती है तो इस प्रकार से ये खंडीय जो व्यवस्था है ये सरफेस पे और आंतरांगों के यानी बॉडी के अंदर भी ये दोनों जो रूप से वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है दूसरा खंडी मोहन हम आर्थोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है आर्थोपोडा के जो वयस्क हैं उसमें खंड इतने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं लेकिन उनके जो लार्वा हैं उनमें खंडी भवन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जाता है देखा जा सकता है तीसरा खंडी भवन का जो विकास हुआ है वो कोडेटा के अंतर्गत देखने को मिलता है कोडेटा संघ के प्राणी और विशेषकर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें खंडी भवन पाया जाता है उनमें यह खंडीय व्यवस्था जो है वो बाहर से दिखाई नहीं देती है लेकिन अंदर जो है उनकी खंडीय व्यवस्था देखने को मिलती है हम देखते हैं अपने मनुष्य की बात करें तो हमारे शरीर में भी जो वर्टिब्रा हैं वो खंडीय रूप से व्यवस्थित हैं जैसे हमारी गर्दन की जो वर्टिब्रा है जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं उनकी संख्या सात होती है वो प्रत्येक मनुष्य में सात ही होगी उसी प्रकार से हमारे थोड़े सिख या वक्सीय भाग में पाई जाने वाली कशेरुकाएँ या वटिब्राँ हैं वो संख्या में बारह होती हैं उसी प्रकार कमर में या लंबर वटिब्रा है वो संख्या में पाँच होती हैं तो इस प्रकार से ये वटिब्रा में ये खंडीय व्यवस्था देखने को मिलती है कुछ जो कॉर्डेट्स हैं उनमें जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियाँ खंडों में डिवाइड होती हैं उन खंडीय मांसपेशियों को मायोटॉम्स कहा जाता है उसी प्रकार से हमारी जो तंत्रिकाएं हैं या हमारी जो स्पाइनल कोड है उस स्पाइनल कोड में भी विभिन्न भागों से निकलने वाली जो स्पाइनल न्यूरॉन्स हैं वो भी एक खंडीय व्यवस्था के अनुरूप निकलती हुई दिखाई देती हैं तो ये खंडीय व्यवस्था हमारे बॉडी में दिखाई देती है यानी ये कोडेट्स में भी पाई जाती है तो खंडी भवन का पाया जाना यानी वास्तविक खंडी भवन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन का पाया जाना फाइलम एनेलिडा फाइलम ऑर्थोपोडा और फाइलम कोडेटा का विशेष लक्षण है हालांकि वर्गीकी के दृष्टिकोण से खंडी भवन का कोई विशेष महत्व नहीं है वर्गीकरण में इसका ज़्यादा महत्व दिखाई नहीं देता लेकिन कहीं ना कहीं इस खंडीय व्यवस्था के कारण जो प्राणी हैं उनको अनुकूलन में सहायता मिली है और यही कारण है कि फाइलम आर्थोपोडा और फाइलम वर्टिब्रेटा के सदस्य आज सभी प्रकार के वातावरण में दिखाई देते हैं वे जल में भी दिखाई देते हैं स्थल में भी और ये हवा में उड़ने वाले प्राणी भी इसमें दिखाई देते हैं और इसी कारण से फाइलम आर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है और सबसे ज़्यादा विविधता है वो फाइलम आर्थोपोडा और उसके बाद में वर्टिब्रेटा में देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं इन प्राणियों में खंडी भवन के कारण अनुकूलित होने में या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में या विभिन्न भागों में फैल जाने का जो गुण है वो उसमें सहायता मिली है तो खंडी भवन जो है उसका टेक्सोनोमी या वर्गीकरण के दृष्टिकोण से इसका ज़्यादा महत्व नहीं है लेकिन यह जो जो, जो प्राणी जगत है उसके तीन जो फाइलम हैं उनमें यह देखने को मिलता है दूसरा जो जंतु वर्गीकरण का जो आधार है वो है भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनी एक जायगौड़ से संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की जो परिघटना है वो भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनी कहलाती है भ्रूणोद्भव के दौरान अनेक ऐसी परिघटनाएं या ऐसी जो घटनाएं होती हैं ऐसे जिस दौरान ऐसे लक्षण विकसित होते हैं जिसका वर्गीकरण में महत्व है अलग अलग प्राणियों के भ्रूणोद्भव की में ये घटनाएं अलग अलग तरीके से संपन्न होती हैं जिस कारण से उनको अलग अलग क्षमों में इस गुण के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है इसी दौरान भ्रूणोद्भव के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है वो है जनन स्तरों का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेर हम जानते हैं कि एक जयगोट का निर्माण एक फीमेल जो गेमेट है और मेल गेमेट के मिलने से एक जयगोट बनता है एक युगमरज बनता है उसमें शुरुआती जो विभाजन होते हैं वो क्लीवेज कहलाते हैं और इसके कारण से एक कोसी के जयगोट एक बहु कोसी की में बदल जाता है उसके बाद में ब्लास्टुला अवस्था आती है और ब्लास्टुला अवस्था के दौरान मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टुला अवस्था में एक केविटी का निर्माण होता है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं इस ब्लास्टोसील में जो फ्लूड है वो भरा रहता है बाहर का जो चरम है या बाहर का जो आवरण है वो ब्लास्टो कहलाता है और जो कोशिकाओं का जो समूह है वो एक तरफ उपस्थित होता है जिसको सेल मार्श कह देते हैं इस ब्लास्टुला अवस्था के बाद में गैस्टूला अवस्था प्रारंभ होती है इस दौरान जो कोशिकाएं हैं उनमें गतियां प्रारंभ हो जाती हैं संरचनात्मक विकास गतियां इस दौरान प्रारंभ होती हैं और कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करना प्रारंभ करती हैं और इसी दौरान जनन स्तरों का निर्माण होता है अब जनन स्तर जो हैं वो कितने बनते हैं इस आधार पे जंतुओं को दो समूहों में डिवाइड किया जा सकता है अगर भ्रूणोद्भव के दौरान या, या गेस्टोलेशन के दौरान दो ही जनन स्तरों का निर्माण होता हो तो इस प्रकार का जो इस प्रकार के जो जंतु हैं इस प्रकार के जंतु डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जंतु कहलाते हैं तो इस दौरान केवल दो जनन स्तरों का निर्माण होता है इसमें जो आंतरिक स्तर है वो एंडोड्रम कहलाता है और जो बाह्य स्तर है वो एक्टोड्रम कहलाता है और एंडोड्रम और एक्टोड्रम के बीच में जो पाया जाने वाला जो पदार्थ है उसको मिशोग्लिया कहते हैं यानी यहाँ पर तीसरा जो जनन स्तर है वो अनुपस्थित होता है इस प्रकार के प्राणी डिप्लो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं तो जो डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जो व्यवस्था है ये फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा में पाई जाती है तो फाइलम सिलेंटेटा और फाइलम टीनोफोरा के जो सदस्य जो सदस्य होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दूसरा जो समूह है जिसमें तीनों जरण स्तर उपस्थित होते हैं यानी ऐसे प्राणियों में गेस्टोलेशन के दौरान तीनों प्रकार के जरण स्तर का निर्माण होता है इसमें आंतरिक जो स्तर है वो एंडोड्रम कहलाता है बाहरी जो स्तर है वो एक्टोड्रम कहलाता है और एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में मीजोड्रम पाया जाता है और बीच का जो स्तर है वो मीजोड्रम कहलाता है तो इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो ट्रिप्लो या त्रिस्तरीय कहलाते हैं पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जनन स्तरों का निर्माण होता है एक्टोड्रम जो है जो कि भविष्य में आहार नाल का निर्माण करेगा इससे हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण भी होता है इससे जो पाचन से संबंधित जो ग्रंथियां हैं अग्नाशय है, है लीवर है इसके अलावा थाइरायड ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि है इनका निर्माण एंड्रोड्रम से होता है एक्टोड्रम जो है उस एक्टोड्रम से त्वचा का निर्माण होता है और इससे तंत्रिका उत्तक का निर्माण या तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं वो मिजोड्रम से बनते हैं चाहे वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो चाहे वो यूरिनरी सिस्टम है और और इसके बाद में जो जो अपने संयोजी उत्तक हैं या जो मसल्स हैं बोन्स हैं इन सभी का निर्माण मिजोड्रम से होता है अब इस तीनों जरण स्तरों के बीच में अगर देहे गुआ बनती है तो ऐसे प्राणी शिलोमेट कहलाते हैं देहे गुहे कहलाते हैं और अगर देहे गुआ नहीं बनती है तो ऐसे प्राणी जो हैं वो एशिलोमेट कहलाते हैं ए देह गुहे कहलाते हैं तो जब तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं तो ऐसे जो प्राणी हैं वो ट्रिपलो या त्रिस्तरीय कहलाते हैं ट्रिपलो प्राणियों में मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लेटी हलमंथीज और उसके बाद के जो सदस्य हैं वो सभी ट्रिपलो हैं लेकिन यहाँ पर प्लेटी हलमथीज जो हैं उस शंग के जो प्राणी हैं उसमें हालांकि तीनों जरण स्तर पाए जाते हैं परंतु इनमें देहगुआ नहीं पाई जाती है उसके बाद में एस के हलमथीज में कूट देह गुवा पाई जाती है और उसके बाद में जितने भी जो फाइलम हैं जैसे एनालिडा आर्थोपोडा मोलस्का इकानोडर्मेटा हेमिकोडेटा और कोडेटा इन सभी में देहगुआ पाई जाती है वास्तविक देहगुआ पाई जाती है यानी इसमें जो देहगुवा है वो मीजोड्रम से आश्रित होती है उससे रेखित होती है तो एम्ब्रियोज में जो पहला गुण है वो है जनन स्तर उसके बाद में दूसरा है विदलन या विदलन या क्लीवेज से तात्पर्य है विदलन मैंने आपको बताया था कि निषेचन के पश्चात एक कोसी के जयगोट या युग्मरज बनता है इस जयगोट में होने वाले जो विभाजन है जो कोसी का विभाजन है जो समसूत्री प्रकार के होते हैं ये विभाजन विदलन कहलाते हैं ये विजा ये विभाजन जो है इनके फलस्वरूप जो एक कोसी की जो भ्रूण है जैसे ये एक कोसी की शोरी जो जायगोट है इसमें पहला विभाजन मान लीजिए इस प्रकार से होता है दूसरा विभाजन उसके नब्बे डिग्री पर होता है तीसरा विभाजन इसके नब्बे डिग्री पर होता है फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो इन सभी विभाजनों के फलस्वरूप पहले दो कोशिकाएं बनती हैं फिर चार बनती हैं चार से फिर आठ कोशिकाएं बनती हैं तो जब आठ कोशिकाएं बनती हैं तो इस दौरान अब जिन आठ कोशिकाओं की व्यवस्था किस प्रकार से है इसके आधार पे जो विदलन है वो दो प्रकार से माना जा सकता है तो पहला जो विदलन का प्रकार है वो विदलन या रेडियल क्लीवेज कहलाता है और दूसरा जो विदलन का प्रकार है वो सर्पिल विदलन या स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है तो विदलन में क्या होता है ये जब आठ कोशिकी भ्रूण जो होता है मान लीजिए ये एक जयगोट है इसमें पहला विभाजन जो है वो अनुधैर्य रूप से हुआ दूसरा विभाजन भी, भी अनुधेय रूप से भी हुआ लेकिन ये इसके बिल्कुल जो है वो इसके नब्बे डिग्री पे हुआ मान लीजिए ये एक गेंद जैसा है पहला विभाजन अनुधैर्य हुआ दूसरा उसके नब्बे डिग्री पे हुआ तो इस प्रकार से ये चार कोशिकीय भ्रूण बन जाएगा लेकिन ये ये और चारों जो कोशिकाएं हैं वो एक संतरे की चार जो फाँक हैं उसकी तरह दिखाई देती हैं अब तीसरा विभाजन मान लीजिए अनुप्रस्थ हुआ तो अब ये आठ कोशिकीय हो जाएगा और आठ कोशिकाएं जो हैं वो आठ कोशिकाएं में चार कोशिकाएं ऊपर होंगी और चार कोशिकाएं नीचे होंगी तो ये जो चार कोशिकाएं ऊपर हैं उसी प्रकार से ये जो उसके नीचे ये चार कोशिकाएं और हैं अब ये आठ कोशिकाओं की व्यवस्था इस प्रकार हो कि नीचे की जो चार कोशिकाएं हैं उसके जस्ट ऊपर वाली चार कोशिकाएं हो इस प्रकार की अगर व्यवस्था होती है तो ये आर्य आर्यन कहलाता है यानी ये नीचे की चार कोशिकाएं हैं ये नीचे की चार कोशिकाएं और उनके जस्ट ऊपर चार कोशिकाएं और हों ऐसे इस प्रकार से चार कोशिकाएं उनके जस्ट ऊपर हों यानी ऊपर से देखने पर नीचे की कोशिकाएं बिल्कुल ढकी हुई दिखाई देती हैं वो दिखाई नहीं देती तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर होती है तो वह विदलन आर्य विदलन कहलाता है आर्य विदलन जो है इससे यह एक अनिर्धारित प्रकार का विदलन होता है अनिर्धारित प्रकार के विदलन से मतलब है कि इस अवस्था में अगर इस भ्रूण के कुछ कोशिकाओं को हटा दिया जाए जैसे मान लीजिए कि तो इस आठ कोसी की अवस्था में या उसके बाद में आगे सोलह कोशिकए या बत्तीस कोसी की, की अवस्था में अगर भ्रूण की किसी कोशिकाओं को हटा दिया जाए प्रारंभिक अवस्था में तो उससे उस भ्रूण के संपूर्ण भ्रूण के निर्माण में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है कोई हानि नहीं होती है यानी बाकी जो कोशिकाएं हैं वो उसको कंपनसेट कर लेती हैं और उस प्रारंभिक अवस्था में अगर किसी कोशिकाओं को हटा भी दिया जाता है तो भ्रूण में किसी भाग की कमी नहीं होती है संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो जाता है यानी इस इस प्रकार के भ्रूणीय विकास में ये पहले से निर्धारित नहीं होता है कि कौन सा भाग जो है या कौन सी कोशिकाएं हैं वो आगे जाके भ्रूण के किस भाग का निर्माण करेंगे यानी ये एक प्रकार का अनिर्धारित विदलन होता है इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है तो अर्य विदलन एक अनिर्धारित प्रकार का विदलन होता है जिसमें आठ कोसी के भ्रूणी अवस्थाओं में ऊपर की चार कोशिकाएं नीचे की चार कोशिकाओं को बिल्कुल ढकी हुई दिखाई ढकी हुई व्यवस्थित होती हैं इस प्रकार का जो विदलन है वो स्पंजों में पाया जाता है इकाइन और उसके बाद में ये इकाइनोड्रोमेटा हेमिकोडेटा और कोरडेटा में ये देखने को मिलता है हालांकि कोरडेटा में अर्य विदलन का एक दूसरा प्रकार जिसको द्विपार्श्व विदलन या बाय क्लीवेज कहते हैं वो पाया जाता है लेकिन हम इसको मोटे तौर पर इसको अर्य विदलन के अंतर्गत रख सकते हैं तो अर्य विदलन स्पंज इकानोड्रोमेटा और कोरडेटा में पाया जाता है उसके बाद में दूसरे प्रकार का जो विदलन है वो सर्पिल विदलन या स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है तो सर्पिल विदलन में क्या होता है इसमें प्रारंभिक जो आठ कोशिके जो भ्रूण होता है उसमें जो आठ कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि ऊपर से देखने पर ऊपर वाली कोशिकाओं के जस्ट नीचे वाली कोशिकाएं उसके जस्ट नीचे व्यवस्थित नहीं होती हैं बल्कि ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं वो नीचे वाली कोशिकाओं के खांच के मध्य व्यवस्थित होती हैं या नीचे की कोशिकाओं के बीच में जहां खाँच है ऊपर वाली कोशिकाएं उस खाँच में पाई जाती हैं तो इस प्रकार से ऊपर से देखने पर भी नीचे की कोशिकाओं के कुछ भाग है वो हमें दिखाई देते हैं उसको ऐसे देख सकते हैं मान लीजिए कि ये नीचे की चार कोशिकाएं हैं अब इनके बीच में जहां जहां गैप है यानी यहां ये यह फर्स्ट खाच ये दूसरी ये तीसरी और ये चौथी तो ऊपर वाली कोशिकाएं के वो नीचे वाली कोशिकाओं के जस्ट ऊपर नहीं होती हैं बल्कि खांच में होती है ऐसा इसलिए होता है कि जब ये कोशिका विभाजन होते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो अनुप्रस्थ नहीं होते हैं बल्कि थोड़ा सा ये तिरछे विभाजन होते हैं और तिरछे विभाजन के कारण ये बिल्कुल जस्ट नीचे उपस्थित नहीं होती हैं तो इस प्रकार का विदलन सर्पिल विदलन कहलाता है ये स्पाइरल टाइप का जो ये भ्रूण बनता है ये निर्धारित प्रकार का विदलन होता है निर्धारित प्रकार के विदन से मतलब है कि प्रारंभिक अवस्था में अगर भ्रूण से कुछ भाग को हटा दिया जाए या कुछ कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो आगे जाकर वह एक संपूर्ण भ्रूण में नहीं बदल पाता है यानी उस भाग के हटा देने से जब संपूर्ण भ्रूण या उस व्यस् का निर्माण होता है तो कुछ न कुछ पोर्शन उसमें अनुपस्थित रहता है पूर्ण भ्रूण है वो नहीं बन पाता तो इस प्रकार का जो विदलन है वो निर्धारित प्रकार का विदलन कहलाता है इसका मतलब है कि इनमें प्रारंभिक अवस्थाओं में ही ये निर्धारित हो जाता है कि भ्रूण के कौन सी कोशिकाएं भविष्य में किस भाग का निर्माण करेंगी तो यह एक डिटर्मिनेट टाइप का क्लिवेज होता है प्रोटोस्टोमिया के जो जंतु हैं उनमें ऐसा पाया जाता है प्लेटी हल्मंतीज, एसके हल्मंतीज, एनलिडा, इन संघ के सभी प्राणियों में शर्पिल विदलन देखने को मिलता है के बाद में अगला जो वर्गीकरण का आधार है वह है भ्रूणिय मुख की उत्पत्ति भ्रूण मुख की उत्पत्ति उस भ्रूण के कौन से भाग से होती है या किस साइड से भ्रूण मुख या उस वयस्क में माउथ बनता है इसके आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांटा जा सकता है एक प्रोटोस्टोमिया और दूसरा डिट्रोस्टोमिया इसको यहाँ ध्यान से समझना मैंने आपको बताया था कि अवस्था के बाद में जब अवस्था प्रारंभ होती है तो जो कोशिकाएं हैं वो ब्लास्टोसील की अंदर की तरफ धसना प्रारंभ करती हैं तो इस दौरान जिस भाग से होकर कोशिकाएं अंदर की तरफ धंसना प्रारंभ करती हैं वह जो पोर्शन है ये गेंद पर गेंद जैसा होता है जैसे मान लीजिए गुब्बारा है और एक गुब्बारे को कहीं से हम अंगुली से उसको पिचकाएं तो उसका कुछ भाग है वो अंदर की तरफ धंसना प्रारंभ करता है तो जहाँ पर यह छिद्र बनता है यह छिद्र जो है वो छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है कोरक्रंद्र कहलाता है यानी कोरक्रंद्र वह भाग होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह कोरक्रंद्र है

किस भाग बनाता है ये कौन सा भाग बनाता है इसके आधार पे दो प्रकार में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है तो मान लीजिए कि अगर ब्लास्टोपोर ये ब्लास्टोपोर है इसको समझना यहाँ पर यह एक्टोड्रम हो जाएगा ये एंडोड्रम हो जाएगा और ये बीच वाला मीजोड्रम हो जाएगा ये भ्रूण फिर आगे जाके इससे लंबवत रूप से ऐसे लंबोतर होता जाएगा और लंबोतर जैसे जैसे होता जाएगा तो फिर ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी ये शोरी ऐसे हो जाएगा ये जो बीच में नीचे की तरफ आहार नाल बन जाएगी ये आहार नाल बन जाएगी एक्टोड्रम त्वचा में बदल जाएगा और ये ब्लास्टोपोर है अब मान लीजिए कि अगर इस भाग से ये आ, ये इस भाग से अगर माउथ बनता है और तो इस भाग से फिर एनस बनेगी यानी चूंकि आहार नाल बनेगी पूरी तो इस भाग से नाल की जो अग्र ओपनिंग है या आगे आगे जो है माउथ से खुलती है और इसकी जो अंतिम जो है ओपनिंग है वो एनस के रूप में होती है तो अगर इस भाग से माउथ बनता है तो ये एनस बनेगी और ये जंतु इस प्रकार से होगा तो ऐसे जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है या उसके समीप वाले भाग से माउथ बनता है तो वह प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं और यदि इस भाग से एनस बनती है यहाँ पे एनस बनती है और इधर फिर माउथ बनता है तो ऐसे जो जंतु हैं वो ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं तो प्रोटोस्टोमिया में वो जंतु आते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है तो प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आने वाले जो फाइलम हैं उसमें सिलेंट्रेटा प्लेटी हलमथीज निमेटोडा एनालीडा आर्थोपोडा और मोलस्का के जो प्राणी हैं वो प्रोटोस्टोमिया में आते हैं और उसके बाद के जो प्राणी हैं बाद के जो फाइलम हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है उसमें इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा और कोडेटा के प्राणी आते हैं यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो विदलन के प्रकार हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं तो विदलन के प्रकार में आप देखिए ये रेडियल क्लीवेज है ऊपर जो दिखाई ये रेडियल क्लीवेज है बिल्कुल ऊपर की कोशिकाएं नीचे की कोशिकाओं को ढके हुए हैं और ये जो क्लीवेज का टाइप है ये स्पाइरल क्लीवेज है तो ऊपर की चार कोशिकाएं नीचे की चार कोशिकाओं के खांचों में व्यवस्थित होती हैं उसके बाद में हम यहाँ पर प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में अंतर देख लेते हैं प्रोटोस्टोमिया में मैंने आपको बताया कि कोरोकंदर से मुख का निर्माण होता है और जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में ब्लास्टोपोरिया कोरो से गुदा का निर्माण होता है प्रोटोस्टोमिया में आने वाले जो प्राणी हैं वो या तो एसिलोमेट होते हैं जैसे प्लेटियलमतीज या फिर उसमें कूट गुवा पाई जाती है यानी वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं जैसे निमेटोडा या फिर स्काजोसिलोमेट होते हैं यानी उनमें दृढ़ गुवा पाई जाती है जैसे एनालिडा आर्थोपोडा और मोलस्का जबकि ड्यूट्रोस्टोमे के जो प्राणी है वो एंटेरोसिलोमेट होते हैं यानी उनमें आंतरगुआ पाई जाती है तो इकानोडोमेटा हेमिकोडेटा और कोडेटा इसके अंतर्गत आते हैं अगर वितलन की बात करें तो प्रोटोस्टोमे के सदस्यों में सर्पिल वितलन पाया जाता है और वह निर्धारित प्रकार का होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ इस प्रोटोस्टोमे में आने वाले जितने भी फाइलम हैं उन सभी में सर्पिल और निर्धारित वितलन होता है जबकि ड्यूट्रोस्टोमे के प्राणियों में अर्य वितलन होता है और वो अनिर्धारित प्रकार का होता है प्रोटोस्टोमिया के फ़ाइलम के जो लार्वा है उनको ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है उसको जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया के प्राणियों का जो लार्वा है वो प्लूटियस प्लूटियस या डाइप्लूरा लार्वा कहलाता है इसके उदाहरण है वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटोस्टोमिया में प्लेटी हेलमन निमेटोडा आर्थोपोडा और मोलस्का आते हैं जबकि ड्यूट्रोस्टोमिया में इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा और कोडेटा आते हैं तो ये जो कुछ मूलभूत आधार हैं जिनके कुंजी लक्षण के रूप में मानकर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है कुछ जो वर्गीकरण के आधार हैं उनके चर्चा मैंने कुछ पूर्व के व्याख्यान में की थी और इस व्याख्यान में मैंने बाकी के जो एम्ब्रियोजोनी से रिलेटेड जो बेसिस हैं इनकी हमने बात की है अब अगर इन कुंजी लक्षणों को आधार मानकर एक जंतुओं का वर्गीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए तो वो रूपरेखा इस प्रकार होगी सबसे पहले जंतु जगत या किंगडम एनिमेलिया तो जो किंगडम एनिमेलिया है उस किंगडम एनिमेलिया में जो आर एच विटेगर की अनुसार इसमें जंतुओं को रखा गया रखा गया है जिसमें जंतु कोशिका पाई जाती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती वे विषम कोशिक होते हैं तो इस जंतु जगत को दो सब किंगडम में या दो उपजगत में विभाजित किया गया है वो कोशिका के नंबर के आधार पर है तो अगर जिनमें एक कोशिका पाई जाती है वे यूनिसेलुलर होते हैं वो उसमें एक फाइलम आता है प्रोटोजुआ और जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो भो कोशिकीय जंतु हैं जिसको उपजगत मेटाजोआ में रखा गया है उसके बाद में उपजगत मेटाजोआ जो है इसकी दो ब्रांच या दो शाखाएं बनाई गई हैं उसमें एक ब्रांच जो है जिसमें एक फाइलम आता है पोरीफेरा यानी एक ब्रांच जिसमें पैराजोआ को रखा गया है और उसका एक फाइलम है पोरीफेरा जबकि दूसरी जो ब्रांच है जिसमें यू मेटाजोआ को रखा गया है और इस यू मेटाजोआ को आगे फिर ग्रेड में विभाजित किया गया है तो इसमें दो ग्रेड बनती हैं एक ग्रेड जो है वो रेडिएटा जिसमें आर्य सम्मिति पाई जाती है और दूसरी बायलेट एरिया जिसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है तो रेडिएटा के अंतर्गत दो फाइलम हैं निडेरिया या जिसको सिलेंट्रेटा कहते हैं और दूसरा है टीनोफोरा जबकि बायलेट एरिया जो है इस बाइलेटेरिया को आगे सब ग्रेड में विभाजित किया गया है उपकोटी में इसको विभाजित किया गया है तो इसकी तीन उपकोटियां बनती हैं एशिलोमेटा जिसमें देहगुआ नहीं पाई जाती जिसमें प्लेटियलमन थी जाता है शूडोशिलोमेटा जिसमें कूट देहगुआ पाई जाती है जिसमें एसकेलमन थी जाता है और सिलोमेटा जिसमें वास्तविक देहगुआ पाई जाती है अब इसके बाद में सिलोमेटा जो है उसको भी फिर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि सिलोमेटा जिनमें वास्तविक देहगुआ पाई जाती है वह भी दो प्रकार की होती है एक तो स्काइजोसिल दीर्ण गुआ जो मिजोड्रम की स्प्लेटिंग से बनती है और दूसरी जो होती है वो आंत्र गुवा जो एंडोड्रम से बनने वाले पाउस के कारण बनती है

और जो, जो सिलोमेट है वो तीनों प्रोटोस्टोमिया में आते हैं और जबकि केवल जो एंटेरोसिलोमेट हैं वो ड्यूट्रोस्टोमिया में आते हैं तो यह है एक जंतु जगत के वर्गीकरण की एक मोटे तौर पे बनाई गई रूपरेखा है जिसमें जो जंतु जगत के प्रमुख वर्गीकरण के आधार हैं उसके आधार पर इनको किस प्रकार से टेक्सोन में आगे से आगे जो एक हायरिकल सिस्टम में इसको वर्गीकृत किया जाता है इसको यहाँ समझाया गया है तो आप इस जो लेक्चर्स है जो तीन लेक्चर मैंने बनाए हैं इन तीनों को ध्यान से सुनना किताब से भी आप पढ़ना तो आपके ये सारे जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी क्योंकि इन्हीं जो लक्षण हैं उनके आगे हम जैसे प्रोटोजोआ की बात करेंगे पोरीफेरा सिलेन डेटा इन सभी की बात करेंगे तो इन सभी लक्षणों की हम चर्चा उनके मूलभूत जो लक्षण हैं उनके अंतर्गत करेंगे तो अगर आप इसको अब यहीं समझ लेते हैं तो आगे फिर आपको उन जो चीज़ें हैं उनको समझने में आपको समस्या नहीं आएगी तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ना किताब से भी आप पढ़ना और ये वीडियो को ध्यान से सुनना ये नोट्स भी आप पढ़ लेना तो इसके बाद में मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू